आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गंदगी, गरीबी और ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली मोदी सरकार अब भोजन की बर्बादी को लेकर भी सख्ती लाने जा रही है। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ भोजन की बर्बादी को लोग गंभीर समस्या नहीं मानते। लगभग हर शादी विवाह या अन्य कार्यक्रमों में भोजन की बर्बादी होती है और अपना स्टेटस बताने के लिए कुछ लोग इस बर्बादी को भी प्राउडली अपनों से साझा करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इसे लेकर एक नियम बनाने जा रही है। इस नियम के तहत भोजन की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन लोगों को भी भोजन मिल सकेगा जो अब भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। फसाई की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा भोजन उत्पादक देश है। इसके बावजूद वैश्विक सूचकांक में भारत दुनिया के 119 सबसे ज्यादा भूख पीड़ित देशों की सूची में 103 स्थान पर है। लिहाजा सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। फसाई इस मुद्दे के समाधान के लिए 20 सरप्लस खाद्य वितरण एजेंसियों के साथ बीते 2 महीनों में 2 बार बैठक कर चुका है। इसके अलावा फसाई ने फूड रिकवरी इकोसिस्टम बनाने के लिए भोजन बचाओ, भोजन बांटो, उष्या बांटो नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भोजन बनाने वाली कंपनियों, सरप्लस खाद्य वितरण एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच दूरी को बांटना है।